किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एम प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपका थ्योरी जो है क्लियर होना चाहिए थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके अगर अच्छे से क्लियर है तो आप आसानी से एम प्रैक्टिस कर लेंगे तो सबसे पहला है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम तो लैटिन जर्मन फ्रेंच अरेबिक ये ऑप्शन है आपके पास तो कंप्यूटर वर्ड जो आया है ये लैटिन वर्ड से या फिर ग्रीक वर्ड से भी डिराइव हुआ तो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड यानी कंप्यूटर जिसका मतलब होता है टू थिंक और वहीं पर ग्रीक वर्ड है कंप्यूटर जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट तो आपको दोनों ऑप्शन ही पता होना चाहिए दोनों में से कोई भी आपको अगर मिल जाता है तो आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है तो जो कंप्यूटर है तो लैटिन वर्ड से कंप्यूटर जिसका मतलब होता है टू थिंक और

ए एडवर्ड रॉबर्ट एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर के फादर कहा जाता है नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज तो किसी भी कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा का उसको क्या कहते हैं बिट बाइट या फिर वर्ड तो यहां पे देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिट बिट को जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कहा जाता है जीरो और वन जो है बाइनरी डिजिट कहा जाता है और जीरो जो है अबसेंस ऑफ सिग्नल को कहते हैं वन जो है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल यानी कि कोई सिग्नल आ रहा है तो वन कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो जीरो और जीरो वन इन्हीं से इसको

8 नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा तो पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग यानी कि इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेर एज रिपोर्टिंग इज डेट डेटा मेड मीनिंगफुल या फिर ऑप्शन बी डेटा इंफॉर्मेशन डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेर एज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल या फिर ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन बिट्स या फिर ऑप्शन डी रिकॉर्ड या बाइट तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे ऑप्शन बी डेटा इंफॉर्मेशन देखो डेटा क्या होता? होता है वहीं पे इंफॉर्मेशन क्या होता है मीनिंगफुल डेटा होता है, तो fact, है तो जब भी प्रोसेसर किसी डेटा प्रोग्राम को यूज करता है तो वो कहां स्टोर्ड होता है मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी में डिस्क मेमोरी में फिर प्रोग्राम मेमोरी में तो देखिए आपने पढ़ा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम वहां पे क्या होता है वो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाता है तो वहां पे जब भी कोई डेटा आप यूज कर रहे होते हो तो उस वक्त वो स्टोर्ड होता है और जब उसको सेव कर देते तो, तो चला जाता है रोम में रीड ओनली मेमोरी में तो यहां पे A, तो पे ऑप्शन ऑप्शन जाएगा ए मेन मेमोरी नेक्स्ट है साइकिल स्टैंड फॉर कंप्यूटर में आईपीओएस साइकिल क्या होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल या फिर इनपुट प्लान आउटपुट स्टोरेज साइकिल या फिर इनपुट प्लान ऑपरेशन स्टोरेज साइकिल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबअप तो आईपीओएस यहाँ पे सिंपल सा कंप्यूटर में जैसा होता है कि इनपुट होता है प्रोसेसिंग होता है आउटपुट आएगा और क्या होगा स्टोरेज होता है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल कहलाता है आईपीओ एस साइकिल विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज आपको बताना है कि यहां पे लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर लैंग्वेज तो असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होता है तो यहां पे आपको बताना है कि नीचे दीग ऑप्शन में से कौन सा लो लेवल लैंग्वेज है बेसिक कोबोल फोटान लोग सी सी प्लस प्लस या फिर ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज तो यहाँ पे जो कैट ऑप्शन आपने पता ही होगा लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है असेंबली लैंग्वेज देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज दो लेवल डिवाइडेड है लो लेवल और हाई लेवल लो लेवल में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आते हैं वहीं पर हाई लेवल में जनरल परपज लैंग्वेज हो गया स्पेशल परपज लैंग्वेज हो गया जिसमें कि कंपाइलर बेस्ड होता है कुछ इंटरप्रिटर बेस्ड होता है जैसे कि एलगोल फोट्रॉन कोबोल ये कंपाइलर बेस्ड है वहीं पर इंटरप्रेटर में बेसिक के पी एल पास कल पी एल आई ये सब क्या है इंटरप्रिटर बेस्ड होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए तो लो लेवल लैंग्वेज में दो लेवल है मसीन

ऑप्शन ए फास्ट नहीं है ऑप्शन बी पावरफुल नहीं है ऑप्शन सी इनफेलिबल है या फिर ऑप्शन डी चीप नहीं है तो क्या नहीं है तो मॉडर्न कंप्यूटर रिलायबल तो है लेकिन क्या नहीं है तो बट यहाँ पे क्या है फास्ट भी है पावरफुल भी है चीप भी है लेकिन ऑप्शन सी इनफेलेबल नहीं है इनफेलेबल मतलब कि क्या हो गया अनमिस्टेकेबल यानी कि ऐसा नहीं है कि उनसे मिस्टेक नहीं होता मिस्टेक होता है तो अनमिस्टेकेबल नहीं है नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में एक सर्किट uh, बोर्ड होता है उसमें जो है चिप्स माउंटेड होते हैं नंबर ऑफ चिप्स तो उसको क्या कहते हैं डॉटर बोर्ड मदर बोर्ड फादर बोर्ड या फिर ब्रेड बोर्ड यहाँ पे सभी को बताना चाहिए मदर बोर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है वॉट इज मेड बाई ए डेडिकेटेड कंप्यूटर यानी कि डेडिकेटेड कंप्यूटर अगर आप किसी को कह रहे हैं तो वो कंप्यूटर का क्या मतलब है ऑप्शन है विच इज यूज बाई वन पर्सन ऑल यानी कि कोई ऐसा कंप्यूटर जो कि एक पर्सन

एस तो आपको बताना है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो उसको क्या कहते हैं इंटरप्रेटर कंपाइलर या फिर कमांडर तो पे ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी कंपाइलर कंपाइलर क्या है प्रोग्राम को इकट्ठे जो है मशीन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर देता है वहीं पर इंटरप्रेटर में क्या होता है कि लाइन बाई लाइन वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में तो आपको पता होना चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम हुआ प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नॉन एज यानी कि कोई भी फॉल्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि उसको करेक्टली वर्क करने से रोकता है उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए बूट ऑप्शन बी बग ऑप्शन सी बिफ या फिर ऑप्शन डी स्ट्रैप तो करट ऑप्शन है ऑप्शन बी बग बग आपने देखा होगा कि क्या है करक्टली करेक्टली जो है वो कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है कुछ ना कुछ एरर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं बग आना नेक्स्ट है क्वेश्चन रैम स्टैंड फॉर आर एम स्टैंड फॉर तो सभी को पता होना चाहिए रैंडम एक्सेज मेमोरी तो कराइट ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन डी रैडम एक्सेज मेमोरी मेमोरी क्या है दो टाइप की है रैम और रोम रैम क्या है एस आर एम डी आर एम उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं स्टेटेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वहीं पर रोम में रीड ऑनली मेमोरी क्या है प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी वहीं परोम यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी सभी आपको स्पेलिंग याद होने चाहिए नेक्स्ट है बी आई ओ एस स्टैंड फॉर तो बी आईओ एस क्या होता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द डेब तो बी आईओएस बायोस हम क्या कहते हैं कंप्यूटर में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम याद कर लीजिएगा नेक्स्ट है अब यहां पे देखिए क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी क्या होता है तो प्रोग्राम कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूजेज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज पावर्ड ऑन तो बायोस का यूज कब होता है कंप्यूटर कब यूज करता है वो यूज करता है जब कंप्यूटर ऑन होता है इट ऑल्सो मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइस हार्ड डिस्क वीडियो अडाप्टर की बोर्ड माउस एंड प्रिंटर तो बायोसि है जो कि क्या करता है वो जो अलग अलग डिवाइसेज अटैच होते हैं उनके बीच में वो कम्युनिकेशन भी करता है डेटा फ्लो को मैनेज करता है तो बायोस का काम होता है तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है आउट ऑफ दीज

तो रैम ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी कंटेंट विल बी वाइप्ड आउट एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्विचड ऑफ तो जिसको रैम को हम क्या कहते हैं मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और ये क्या है वोलाट है क्यों क्योंकि क्यों? यहाँ पे ही light off जैसे ही लाइट ऑफ होगी जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो यहाँ पे जो भी चीजें डेटा होगी वो चला जाएगा नेक्स्ट है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड टू सफर फ्रॉम बोर्डम विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस यहाँ पे और है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और सफर फ्रॉम बोर्डमच कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वर्सेडिटी डिलीजेंस ऑटोमेशन या फिर एक तो कंटिन्यूस जो है काम करता रहता है बोर भी नहीं होता है परफॉर्म कर, करने में तो इसको कहते हैं डिलीजेंस ऑप्शन बेज दी करेट ऑप्शन वर्सेडिटी में क्या होता है कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क यानी कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते वर्सटाइल नेचर होता है ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक वो कंप्लीट कर देता है टास्क को अगर आपने सारे इंस्ट्रक्शन सही से दे दिए हैं वहीं पर एक भी एरर नहीं होता है फिर बहुत ही कम एरर होता है मिनिमम मिनिमल एरर होता है तो एक्यूरेसी भी वहां पे होती है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की तो आपको याद करना होगा नेक्स्ट है विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर का लिमिटेशन कौन सा है नीचे जीरो आई क्यू नो थिंकिंग पावर डिपेंडेंस ऑन पावर या फिर ऑप्शन डी ऑल तो देखिए कंप्यूटर की कोई आई क्यू नहीं होती है जो प्रोग्राम में डाल दिया गया वही होता है नो थिंकिंग पावर उनके पास कोई थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं होती है और डिपेंडेंस और पावर पावर पर डिपेंड करते हैं है इलेक्ट्रिसिटी है तब तक चलेंगे नहीं तो बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या ही लिमिटेशन है तीनों ही तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब हो जाएगा करेट ऑप्शन नेक्स्ट है परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो परम क्या है सुपर कंप्यूटर पीसी है लैपटॉप है या फिर ऑप्शन डी पीडीए है तो परम क्या है परम सभी ने सुना होगा ये क्या है सुपर कंप्यूटर है ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन तो यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो आप जो है कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं टाइप के बेसिस में एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड साइज के बेसिस पे माइक्रो मिनी मेम फ्रेम और सुपर और बाई परपज के बेसिस पे जनरल पर्पज है फिर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है तो इस तरीके से इनको जो है आप क्लासीफाई कर सकते हैं तो क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीसी तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर जो कि पीसी के फॉर्म में अवेलेबल है मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर फिर बोथ बी एंड सी यानी कि माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर तो पीसी के फॉर्म में कौन सा कंप्यूटर अवेलेबल होता है माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो पीसी भी कहते हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंट एज डिस्क्रीट सिग्नल तो आपको बताना कि एनालॉग, डिजिटल या फिर हाइब्रिड या फिर बोथ में किसमें जो है डिस्क्रीट सिग्नल में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है एनालॉग में डिजिटल में फिर हाइब्रिड में तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में क्या है डिस्क्रीट सिग्नल में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर को उसको क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ह्यूमन फिर ऑल ऑफ दिस तो देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो आपको विजिबल है जो आप टच कर सकते हो तो उसको क्या कहते हैं हार्डवेयर ऑप्शन बेज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है कंप्यूटर कंबाइंड बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड यानी कि ऐसे कंप्यूटर जहाँ पे मेजरिंग मेजर भी मेजरमेंट भी होता है और काउंटिंग भी होता है तो उसको क्या कहते हैं एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड या फिर ऑल ऑफ दिस तो देखिए दोनों काम हो रहा है मेजरिंग भी हो रही है काउंटिंग भी हो रही है तो उसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर मेजरिंग हो रही होती तो एनालॉग और काउंटिंग हो रही होती तो डिजिटल तो यहां हो जाएगा हाइब्रिड नेक्स्ट है नोटबुक लैपटॉप पाल हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश कंप्यूटर तो नोटबुक लैपटॉप हैंडहेल्ड कंप्यूटर किसके किस कैटेगरी में आते हैं डिजिटल कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर में पोर्टेबल कंप्यूटर में फिर हाइब्रिड कंप्यूटर में तो देखिए नोटबुक है लैपटॉप है पाल में इन सभी को आप जो है लेके हाथ में लेके जा सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर ऑप्शन सी पोर्टेबल यानी जिसको लेके आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट है डैस कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज यानी कि नीचे दिखाई ऑप्शन में बताना कि कौन सा कंप्यूटर साइज में बड़ा होता है तो माइक्रो मेन फ्रेम सुपर या फिर मिनी तो आप कि मेन फ्रेम बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है तो ऑप्शन बेस दी ऑप्शन मेन फ्रेम जो है साइज में बड़ा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा पीछे नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर इज स्मॉल जनरल पर्पज माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर यानी कि आपको नीचे दिए ऑप्शन में पता कि कौन सा है जो कि स्मॉल जनरल पपज माइक्रो कंप्यूटर है और पोर्टेबल कंप्यूटर से बड़ा है हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर डेस्कटॉप है भी लैपटॉप तो देखिए यहाँ पर जाए ऑप्शन सी डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो जनरल पर्पज कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर होता है जो कि पोर्टेबल कंप्यूटर से बड़ा होता है नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर्स ऑपरेट इसेंसली बाई काउंटिंग तो काउंटिंग किस में होती है अभी आपने पीछे देखा कि क्या होता है मेजरमेंट और तो काउंटिंग दोनों होती है किस में हाइब्रिड में मेजरमेंट

सिस्टम के बीच में यूजर इंटरफेस लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म या फिर से यहां पे नाम में है, या फिर कंट्रोल इंटरेक्शन यूजर कंप्यूटर के बीच में के बीच में कौन आता है यूजर इंटरफेस आता ऑप्शन तो तो का फुलफॉर्म क्या है ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर अनवेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर

ईसी स्टैंड फॉर तो ईबीसी डी आई सी स्टैंड फॉर क्या होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बिट डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल इंटरचेंज कोड तो देखिए अगर ये या याद होगा तभी आप इसमें करेक्ट ऑप्शन लगा पाएंगे यहां तुक्का नहीं चलने वाला तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म ये होता है एमएसआई का मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी CPU. CPU का कौन सा पार्ट है प्रिंटर कीबोर्ड माउस एथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो आपने पढ़ा होगा हार्ड जो स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर तो सीपीयू में क्या होता है arithmetic, यानी कि और क्या होता है कंट्रोल यूनिट तो ए एल यू यानी अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट तो ये क्या है सी पी यू का पार्ट है प्रिंटर नहीं होता है की बोर्ड अलग होता है माउस भी अलग होता है तो करेट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी इज़ द करट ऑप्शन नेक्स्ट है वॉट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज यानी कि आपको बताना कि वो कौन सा प्रोग्राम होता है या फिर उस प्रोग्राम को आप क्या कहेंगे जो कि कोई भी फॉल्ट है या फिर कोई उस फॉल्ट का कोई कॉज है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन कुकीज डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी कुछ बूट डिस्केट्स तो उसको क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर नाम में इसलिए डायग्नोस्टिक यानी डायग्नोस करता है कि क्या फॉल्ट है या फिर क्या कॉजेस हैं उस फॉल्ट के तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आपको बताना है नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है NAV एफ प्रोट औरल या फिर मैक कैफे तो देखिए मैक कैफे एफ्रोट एन आपने सुना है एंटी वायरस है लेकिन ओरेकल क्या है ये ऑरकल एंटी वायरस नहीं है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नेक्स्ट है ए नॉर्मल सी डी रोम यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा तो पहले आपको आपने देखा होगा अगर आपने यूज किया होगा सी डी आते थे म्यूजिक सी आते हैं तो सी में कितना स्पेस होता था तो नॉर्मली आपको अगर याद हो तो छः होता था लेकिन छह क्या के बी बाइट एम या जे तो गैट ऑप्शन है ऑप्शन सी एम बी छः का सी रोम आता था कॉम्पेयर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी नेक्स्ट है ए एस सी आई आई स्टैंड फॉर तो यहाँ पे भी आपको देखिए याद करना होगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है अगर नहीं याद है तो आप करेक्ट आंसर नहीं टिक कर पाएंगे तुक्का लगाएंगे सही हो गया तो सही हो गया तो ए एस सी आई आई का मतलब क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ये आप याद कर लीजिएगा नेक्स्ट है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉच तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो चीफ कंपोनेंट था वो क्या था ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्स इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वेब तो फर्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था जो हार्डवेयर था वो चेंज हुआ था तो फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर था या कंपोनेंट था वो क्या था ऑप्शन बी वैक्यूम वॉल्स का यूज जो यहाँ पे किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या था वैक्यूम ट्यूब ए वॉल्स सेकंड जनरेशन में क्या है ट्रांजिस्टर आया फिर मैग्नेटिक टेप्स आया थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए फोर्थ जनरेशन में वील एस आई माइक्रोप्रोसेसर सर्किट्स वेरी लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आए और फिफ्थ जनरेशन में यू एल एस आई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स आए तो ये यू एल एस आई वी एल एस आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स ट्रांजिस्टर वैक्यूम टू आपको याद होना चाहिए कि कौन से जनरेशन में कौन सा जो है चीफ कंपोनेंट फिर हार्डवेयर कंपोनेंट यूज ही हुआ था नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन एज तो फोट्रॉन क्या होता है फाइल ट्रांसलेशन फॉर्मेट ट्रांसलेशन फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फिर फ्लॉपी ट्रांसलेशन देखिए फोट्रॉन क्या है हाई लेवल लैंग्वेज होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है फॉमुला ट्रांसलेशन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर आर डेवलप ड्यूरिंग तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप हुए थे 1949 से 1955, 1956 फाइव नाइन फिफ्टी से नाइनटीन सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव से 1990. तो देखिए ये ईयर जो है ना एक दो साल आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं किसी अलग अलग बुक में मिलेंगे तो नॉर्मली जो आपको छप्पन से पैंसठ के बीच में दिखे या पचपन से पैंसठ के बीच में दिखे तो वही आपका क्या है सेकेंड जनरेशन है तो ऑप्शन बीच दप्शन करेक्ट ऑप्शन सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इसी में आए थे हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक तो इनायक कंप्यूटर था वो पहला कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था वैन न्यूमैन ने जोसेफ एम जैकर्ड ने जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू माउचली ने या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वैन के के ऊपर सभी ने तो पहला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनायक उसको डिजाइन किया था ऑप्शन सी जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू माउचली ने इसको डिजाइन किया था नेक्स्ट है हु द हाई लैंग्वेज लेवल सी तो हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है उसको किसने इन्वेंट किया था डेनिस एम रिची निकोलस विथ सैमर निकोलसम या फिर ऑप्शन डी डोनाल्ड

तो उसको कहते हैं वॉम तो कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वॉम नेक्स्ट है डी ओ एस स्टैंड माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम तो स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग ऑप्शन ए इज ऑप्शन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है सभी को पता है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं नेक्स्ट है आई बी एम स्टैंड फॉर आई बी एम का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंटरनल बिजनेस मशीन तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईवीएम का फुल फॉर्म यही होता है याद कर लीजिएगा नेक्स्ट है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब यहाँ पे फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है तभी आपने पीछे देखा डेनिस रिची इनको फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन है सारे के सारे फंक्शन होते हैं एलोकेट रिसोर्सेज मॉनिटर एक्टिविटीज मैनेज डिस्कैंड फाइल ऑल ऑफ द एवर नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैश इज टू सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तो किसका प्राइमरी फंक्शन होता है जहां पे हार्डवेयर को सेटअप किया जाता है और लोड किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है तो A, program, BIOS, CPFA, तो है तो तो ऑप्शन 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 प्रोग्राम या फिर मेमोरी क्या बी आपने पीछे ही पढ़ा था कि जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो एक्टिवेट होता है और वो जो है हार्डवेयर उन सबके डेटा कम्युनिकेट करता है तो गैट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बायो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया कि और साथ साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर है या फिर ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सॉफ्ट सिस्टम है तो देखिए आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है साथ ही साथ वो कंप्यूटर हार्डवेयर को भी रन करता है तो ऑप्शन बी इज बीज द्शन ऑप्शन ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द

डैश इज साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमस डू तो आपको बताना है कि कौन सा वो है जहाँ पे एक तरीके का साइंस है जो कि एग्जैक्टली exactly वही इंटेलिजेंस रखता है जो कि ह्यूमन के अंदर होता है नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी सेम्युलेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ए आई जो तो आप सभी ने पढ़ा होगा ए आई क्या है ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमस डू तो आर्टिफिशियल का यूज़ करके हम एक्जैक्टली exactly ह्यूमन जैसा एक

कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन या फिर ऑप्शन डी प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्राम ऑप्शन डी इज द कैट ऑप्शन लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न इन एज ए पैटर्न ऑफ बिट्स रिफर्स टू तो आपको बताना है कि लैंग्वेज वो कौन सा लैंग्वेज है जहां पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बिट्स के रूप में लिखे होते हैं बिट्स के पैटर्न में लिखे होते हैं मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में फिर ऑप्शन डी नन तो यहाँ पे कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में जो बिट्स के रूप में लिखा था जीरो वन जीरो वन इस तरीके से लिखे होते हैं वहीं पे असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है न्यूमोनिक्स वहां पे जो लिखा जाता है इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाता है निमोनिक्स में वहीं पर हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में होता है तो मशीन लैंग्वेज में बिट्स यानी बाइंडी नंबर असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यानी सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन और हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में थी आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट है निमोनिक्स वेयर यूज इन विच लैंग्वेज तो अभी जस्ट आपने पीछे देखा तो निमोनिक्स कहां यूज होते हैं मशीन लैंग्वेज में असेंबली फिर एच यानी कि हाई लेवल लेवल में तो कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा निमोनिक्स के लिए ऑप्शन भी असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज किया जाता है इसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं वहीं पर असेंबली में क्या है सेकंड लेवल जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है फुल फुल फॉर्म फॉर्म ऑफ बेसिक बेसिक लैंग्वेज तो तो का क्या है थी? ये भी आपको याद करना होगा तो सीधे सीधे ऑप्शन में चलते हैं दैट इज ऑल इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म क्या है बिगनस ऑल परपज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड याद होना चाहिए आपको नेक्स्ट है ये जो डेवलप किया गया था बेसिक लैंग्वेज ये जब डेवलप किसने किया था जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ज एट दर्माउथ यूनिवर्सिटी इन 1965 तो दरमाउथ यूनिवर्सिटी में 1965 में जॉन केमनी और थॉमस कर्ज ने बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था यानी कि बिगनस ऑल परपज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज मेनली फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन इज तो नीचे आपको जो है कुछ हाई लेवल लैंग्वेज दिए गए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो कि सिर्फ मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ही मेनली बना था तो बेसिक कोबोल फोर्टॉन या सी प्लस प्लस तो अगर आपको फॉर्म याद हो फोर क्या है फॉर्मूला ट्रांसलेशन तो ऑप्शन सी इज दी ट ऑप्शन फोरटन ये किसने इन्वेंट किया था जॉन डब्ल्यू बैकर्स ने 1956 में इसको डेवलप किया था फोर्टान को नेक्स्ट है एल आई एस पी इज ए लिस्प इज ए ये क्या है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है सेकेंड जनरेशन थर्ड या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है तो लिस्प इज ए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और लिस्ट में क्या है लिस्ट प्रोसेसर लिस्ट का फुल फॉर्म क्या है प्रोसेसर. लिस्ट प्रोसेसर एल आई एस टी लिस्ट पी से प्रोसेसर इन्वेंटेड बाई जॉन मैकॉ तो जॉन मैक ने इसको इन्वेंट किया था थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है नेक्स्ट है फजी लॉजिक एंड न्यूरल नेटवर्क आर तो फजी लॉजिक और न्यूरल नेटवर्क कौन से जनरेशन

कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम उसको क्या कहते हैं सेट ऑफ़ प्रोग्राम दटा यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी ऑल तो करम सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या है प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन यानी कि कोई पर्टिकुलर आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने जो है एप्लीकेशन उसमें डालते हैं जैसे कि एम एस एक्सल हो गया एम एस पावर पॉइंट हो गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटीज़ ये क्या होते हैं प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एडिशनल कैपेबिलिटीज टू ओ एस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर कहते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया वो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेक्स्ट है असेंबलर कंपाइलर ओएस इंटरप्रिटर आर तो ये असम्बलर कंपायलर ओ एस इंटरप्रेटर क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूटिलिटीज़ हैं फिर ऑप्शन डी ऑल है तो देखिए असेंबलर कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटर ये क्या है ये कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए जरूरत है इनके बगैर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर ही नहीं सकते हैं तो ये क्या हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो एम एस ऑफिस जैसा भी अभी एग्जाम्पल बताया था वहीं पर यूटिलिटीज़ में क्या हो गया जैसे एंटी हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया रजिस्ट्री क्लीनर हो गया या फिर नेटवर्क मैनेजर हो गया ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं

यूज करके हम डेटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस सॉफ्टवेयर फिर हार्डवेयर तो यहां पे सिंपल सा आंसर है कि उसको क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं ठीक है आउटपुट डिवाइस क्या हो गया जहां से हमें आउटपुट मिलता है यानी कि हमने डेटा इनपुट किया प्रोसेसिंग हुई हमें इंफॉमेशन मिलती है वो मॉनिटर हो गया वो प्रिंटर हो गया या साउंड हो गया स्पीकर हो गया तो वहां से हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है तो आउटपुट डिवाइस जहां से हमें डेटा मिल रहा है इंफॉमेशन मिल रहा है इनपुट डिवाइस जहां से हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं या फिर कुछ भी इनपुट कर रहे हैं है तो इनपुट डिवाइस कहलाता है तो देखिए नॉर्मली इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस जॉय स्टिक माइक बार कोड रीडर या फिर आपका पेन हो गया वेब कैमरा पैड टच स्क्रीन फिंगरप्रिंट रीडर ये सारे क्या है ये इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वहीं पर आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है जैसे मॉनिटर हम देख पाते हैं उसमें प्रिंटर हमें प्रिंट मिल जाता है स्पीकर आवाज आती है हेडफोन से आवाज आती है प्रोजेक्टर से हम जो है मॉनिटर की चीज़ों को बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सब क्या आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं नेक्स्ट है डिवाइस दैट आर अटैच सेपरेटली टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड एज तो वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में अलग से अटैच किए जाते हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं कंपाइलर कहते हैं पेरीफेरल्स कहते हैं फिर असेंबलर कहते हैं तो देखिए सॉफ्टवेयर कंपाइलर असेंबलर ये सब क्या है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं लेकिन जो अलग से एड किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं पेरीफेरल्स कहते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बटन और कीज एंड कैन बी यूज टू फीड नंबर लेटर्स सिम्बल्स स्पेसिज एटसेट्रा रिफर्स टू तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जहाँ पे बटन होता है कीज़ होते हैं और जिसका यूज़ करके हम नंबर्स लेटर्स सिंबल्स या फिर स्पेस जो है कंप्यूटर सिस्टम में फिट करते हैं ऑप्शन है माउस ऑप्शन बी कीबोर्ड ऑप्शन सी जॉयस्टिक ऑप्शन डी एम आई सी आर तो यहाँ पे बट ऑबेस्टिकली बात है कि कीबोर्ड में क्या होता है नंबर्स होते, है, होते हैं लेटर्स होते हैं जिसका यूज हम सिंबल्स होते हैं स्पेसेस होते हैं और भी बहुत सारे फंक्शंस कीज होते हैं जिसका यूज़ करके हम जो है इनपुट करते हैं डेटा को इनपुट करते हैं कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम है तो ऑप्शन बेचती करेट ऑप्शन की बोर्ड की बोर्ड में कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए द फर्स्ट कीबोर्ड वॉज इन्वेंटेड इन एटीन सिक्सटी एट बाई क्रिस्टोफर लेथम शोल्स तो क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने एटीन सिक्सटी एट में पहला की बोर्ड डिजाइन किया था तो की बोर्ड में नॉर्मली एक सौ एक से एक सौ चार कीज होते हैं वन हंड्रेड वन टू वन हंड्रेड फोर कीज होते हैं और देर आर ट्वेल्व फंक्शंस की एफ वन से लेकर आपका एफ ट्वेल्व तक जो है फंक्शन की भी होता है और भी इसके अलावा बहुत सारे बटनस होते हैं स्केप शिफ्ट कंट्रोल एल्ट विंडो बटन होता है टैब होता है बैक स्पेस होता है इंटर होता है तो नंबर लॉक की हो गया कैप्स लॉक हो गया कैप्स मतलब कि अल्फाबेट को कैपिटल uh, में रखना है कि स्मॉल लेटर में रखना है तो बहुत सारे फंक्शंस के उधर टोटल एक सौ एक सौ के इसमें जो है वेरी करता है नेक्स्ट है कैरेक्टर रिकोग्नीशन टेक्नोलॉजी मेनली यूज बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ चेक एंड ड्राफ्ट तो आपको बताना है कि वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि एक तरीके का कैरेक्टर रिकोग्नीशन टेक्नोलॉजी है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है चेक और ड्राफ्ट को प्रोसेस करने के लिए एम आई सी आर या फिर ऑल ऑफ द एब तो देखिए बैंकिंग में कौन से यूज़ किया जाता है एम आई मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोग्निशन कहते हैं उसको तो चेक और जो ड्राफ्ट होते हैं उसमें जो है कुछ चीज़ें लिखी होती है तो उसको मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकोग्नीशन के थ्रू जो है उसको रिकोगनाइज कर लेते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में तो एम का यूज़ किया जाता है चेक और ड्राफ्ट को प्रोसेस करने के लिए बैंक्स में ओ ऑप्टिकल मार्क रिकोग्नीशन जैसे कि आपने देखा ओ आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है ओ शीट मिलती है आप उसमें सर्कल कर देते तो ऑप्टिकल जो आपने मार्क किया होता है उसको रीड कर लेता है और उसके बेसिस पर आपकी आंसरिंग जो है चेक की जाती है कि आपके कितने क्वेश्चन सही कितने गलत हैं तो क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम यूज दिस ओ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यहाँ पे क्या होता है कि हम जो हमारे पास हैंड रिटर्न होता है कोई मटेरियल फिर प्रिंटेड फॉर्म में होता है उसमें जो इमेज फॉर्म में होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एडिटेबल टेक्स्ट में जैसे आपके पास हार्ड कॉपी में कुछ भी प्रिंटेड है आप उसको आपको एडिट करना तो कैसे करेंगे तो उसको ओ के थ्रू आप स्कैन करके कन्वर्टेबल जो है एडिटेबल टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो ओ का यूज किया जाता है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोग्नीशन नेक्स्ट डिवाइस दैट इज़ यूज टू इनपुट साउंड वॉइस नरेशन और अदर साउंड तो आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस है जिसका यूज़ करके आप साउंड को वॉइस को, को या फिर नरेशन को या कोई दूसरा साउंड को इनपुट कर सकते हैं माइक्रोफोन लाइट पेन जॉयस्टिक या फिर ट्रैक बॉल तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए माइक्रोफोन माइक्रोफोन का यूज करके आप जो अपनी वॉइस को या फिर किसी चीज़ पर नरेट करना है या कोई दूसरी साउंड है उसको आप इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जॉयस्टिक क्या है जॉयस्टिक में देखिए पॉइंटिंग डिवाइस होता है जैसे कि माउस होता है यहाँ पे एक स्टिक होती है और ये नॉर्मली गेम्स में यूज़ किया जाता है वहीं पर ट्रैक बॉल क्या है ये भी पॉइंटिंग

आई ओ यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कॉम्पैक्ट डिवाइस है फिर ड्राइवर तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस तो आपको पता नहीं कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है की पैड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन या फिर माउस तो अभी आपने पीछे देखा टच टच स्क्रीन माउस ट्रैक बॉल ये क्या है पॉइंट है आप पॉइंट टच करते हो और उसके बाद ड्रॉ कर सकते हो लेकिन की पैड क्या है कीपैड से आप टाइप करते हो फिर जो है डेटा एंटर होता है तो की पैड नहीं है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की पैड नहीं है नेक्स्ट है ए डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स फ्लाइट सैमुलेटर ट्रेनिंग सैम्यूलेटर एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट तो आपको बता देखिए अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा था वीडियो गेम में कौन सा यूज होता है तो माउस लाइट पेन जॉयस्टिक या फिर की बोर्ड तो बट आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जॉयस्टिक जॉयस्टिक का यूज हम नॉर्मली वीडियो गेम्स में फ्लाइट सेम्यूलेटर में, में या फिर ट्रेनिंग सेमूलेटर में या फिर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट को हम कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं जो आप देखते हो ना रिमोट कंट्रोल वो होते हैं वही चीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपेबल ऑफ रिकोग्नाइजिंग ए प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाई पेंसिल और पेन फिर से क्वेश्चन आया है जहां पे अभी हमने समझाया था आपको कि क्या होता है कि आपके पास एक प्रिपेसिफाइड टाइप का बुकलेट दिया जाता है वहां पे आपके यहां मार्क कर दे तो मार्क को रिकॉग्नाइज कर लेता है पेंसिल या पेन से आप मार्क किए तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओ एम आर तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पे फिर है इनपुट डिवाइस दैट यूजेज ए स्पेशल इंक दैट कंटेंस मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड आर तो यहां पर आपको बताना है ये थोड़ा सा ट्रिक है इसको याद करना होगा इनपुट डिवाइस होता है जहां पर स्पेशल इंक यूज किया जाता है और मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड कंटेन करता है तो वो होता है बैंकिंग में जहाँ पे प्रोसेस करते हैं चेक और ड्राफ्ट का किसके थ्रू करते हैं एम के थ्रू तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी एम आई सी यहाँ पर जो है मैग्नेटिक इंक है तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स होते हैं आयरन ऑक्साइड के मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेडर तो यहाँ पर यूज होता है देन है ए प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम एंड हैज ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड तो आपको बताना है कि कौन से प्रिंटर में ऐसा है जहां पे एक लाइन एक टाइम पे जो है प्रिंट होता है और प्री डिफाइंड सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी ड्रम देखिए प्रिंटर दो टाइप के होते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बना रखा है रिविजन फटाफट वीडियो उसको आप देख सकते हैं प्रिंटर के ऊपर तो यहां पे हम देखिए प्रिंटर दो टाइप के होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर में जहां प्रिंट हेड और पेपर टच होता है नॉन इम्पैक्ट में टच नहीं होता है इंपैक्ट दो टाइप के हैं करेक्टर और लाइन प्रिंटर करेक्टर में डॉट मैक्ट्रेस डेजी बी लाइन

तो उसको क्या कहते हैं स्पीच सिंथिसाइजर्स या फिर वॉइस तो सिस्टम कहते हैं ऑप्शन सी स्पीच है टेक्स्ट तो इंफॉर्मेशन को स्पोकन सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता है विच इज दिस डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप पिक्चर एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर तो आपको बताना कि कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस तरीके का होता है जो कि मैप को पिक्चर को ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है कंप्यूटर में डिजिटाइजर स्कैनर इमेज स्कैनर या फिर एम तो कैट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए डिजिटाइजर डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जहाँ पे जो भी मैप्स है आप उस पर जो भी ड्रॉ करते हो उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पोरी आउटपुट टेम्पोरी आउटपुट कौन सा है नीचे देगी ऑप्शन में से हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी डुप्लीकेट सॉफ्ट कॉपी या फिर ऑन पेपर

इनपुट तो आपको बताना कि डिजिटाइजर किस टाइप के इनपुट को कन्वर्ट करता है डिजिटल इनपुट में लेजर इनपुट को डिजिटल इनपुट को एनालॉग इनपुट को या फिर कॉम्प्लेक्स इनपुट को तो डिजिटाइजर जो है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग इनपुट को डिजिटल इनपुट में ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है डैश रेफर टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेसिटीज और एडिंग स्पीकर और मॉडर्म एक्सेट्रा तो आपको बताना है कि नीचे दिखे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है टर्म है जो कि ये रिफर करता है कि जब भी आप कोई सिस्टम में चेंज करते हो कोई हार्ड डिस्क कैपेसिटी को बढ़ाते हो स्पीकर एड करते हो मॉडर्म को एड करते हो या फिर मेन मेमोरी को इंक्रीज करते हो तो इसको क्या कहते हैं ग्रेड्स रोजडी सिंथेसिस या अपग्रेड्स तो इसको कहते हैं अपग्रेड करना आप कहते हो ना सिस्टम को अपग्रेड करना यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते हो मॉडिफिकेशन कराते हो अपग्रेड करना तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यहां पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूटिलिटी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसर तो देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सॉफ्टर क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं लेकिन वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि क्वेश्चन पूछा था नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट ए विडियो इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ कलर्ड लाइट कॉल्ड तो वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो इसको क्या कहते हैं जो स्मॉल ब्लॉक होते हैं कलर लाइट को उसको क्या कहते हैं इम एच पिक्सल एल सी डी या फिर डी बी टी तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पिक्सल्स पिक्सल कहते हैं ए बी डी इज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कलर्ड लाइट कॉल्ड पिक्सल्स नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन एंड क्लैरिटी ऑफ द स्क्रीन विल बी बेटर इफ तो किसी भी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है या फिर क्लैरिटी है वो अच्छा होगा कब जब पिक्सल्स आर लो इन नंबर ऑप्शन बी पिक्सल्स आर जीरो ऑप्शन सी पिक्सल्स आर मोर इन नंबर या फिर ऑप्शन डी पिक्सल हैज नो रिलेशन विद रिजोल्यूशन तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है कि जितना ज्यादा पिक्सल होता है उतना ही ज्यादा आपका रेजोल्यूशन अच्छा होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी होती है स्क्रीन की तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन आर मोर इन नंबर तो आपका जो है क्लैरिटी और रेजोल्यूशन अच्छा होगा द एच डी डी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है मैग्नेटिक डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क है या ब्लू रे डिस्क है या फिर ऑप्शन डी नन तो देखिए हार्ड ड्राइव डिस्क क्या होता है जो कि, जो कि आपके सिस्टम में लगा होता है सीपीओ में लगा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव जहां पे आप रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी टाइप का काम करता है आप करते हो चीजों को अपनी फाइल्स को वीडियोस को मूवीज को तो उसको क्या कहते हैं वो मैग्नेटिक डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क है फिर ब्लू रेड डिस्क है तो वो है मैग्नेटिक डिस्क ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन वन इज नॉट द ऑप्टिकल डिवाइस कौन तो सा ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है तो सी रोम डीवीडी पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द दब तो देखिए ऑप्टिकल डिवाइस यहाँ पे लेजर पे होता है तो सीडी रोम डीवीडी पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव ये तीनों ही क्या है ऑप्टिकल डिवाइस हैं तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द एप नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन टू ए सी डी और डीवीडी रिफर्स टू एज टू सी डी डीवीडी में जब हम कोई भी कंटेंट कॉपी करते हैं कोई भी कंटेंट लिखते हैं राइट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए टर्निंग ऑप्शन बी बर्निंग ऑप्शन सी जर्निंग या फिर ऑप्शन डी लर्निंग तो जब भी आप सी डी या डीवीडी पे कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो राइट कर रहे हो या फिर सॉन्ग राइट कर रहे हो या फिर कोई भी फाइल जो है राइट कर रहे हो तो उसको कहते हैं बर्निंग ऑप्शन बी इज द केड ऑप्शन तो सी डी ए डीवीडी पे कुछ भी लिखना तो उसको कहलाता है बर्निंग कहलाता है स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड यानी कि वो स्टोरेज जहां पे पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा जो है वो स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं स्टोरेज 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 नॉन या फिर डायरेक्ट स्टोरेज तो ऐसा स्टोरेज जहां पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर हो जाता है उसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज तो आप देखिए स्टोरेज में नॉर्मली मेमोरी दो टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं इन सभी के बारे में रिविजन फटाफट में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, डिटेल में आप वहां पर देख सकते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में सीपीयू आता है और रैम रोम में पी रोम और डबल ई प्रोम है वहीं पर सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी में मैग्नेटिक टेप होता है तो मैग्नेटिक e -E डिस्क होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है जैसे कि आपने हार्ड ड्राइव हाँ एच डी डी देखा हार्ड ड्राइव डिस्क देखा आपने और सी डी रोम देखा डीवी डी देखा बलू मेमोरी कार्ड हो गया यू एस हो गया तो सब क्या है सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं तो इनके बारे में आप डिटेल में रिविजन फटाफट में देख सकते हैं अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेस्ड मेनी टाइम पर सेकेंड तो आपको बताना कि कौन सा मेमोरी है जो आपको uh, कई टाइम पर जो है पर सेकेंड रिफ्रेश करना चाहिए इस ई प्रोम रोम स्टैटिक रैम या फिर डायनेमिक रैम तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी डायनेमिक रैम डायनेमिक रैम को आपको कई बार रिफ्रेश करना होता है पर सेकेंड यू एस बी टाइप स्टोरेज डिवाइस यू एस बी टाइप स्टोरेज डिवाइस क्या है सेकेंडरी डिवाइस है एक्सडी डिवाइस है टर्सरी डिवाइस है प्राइमरी

अब हाफ बाइट यानी कि फोर तो फोर बिट का मतलब क्या हो गया निबल तो ऑप्शन डी इज ऑप्शन निबल ए हाफ बाइट इज नॉन एज निबल मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज इंटरनल एक्सटर्नल ए एंड बी बोथ या फिर ऑक्री तो मेन मेमोरी कौन सा होता है ऑप्शन ए इंटरनल इंटरनल मेमोरी को हम क्या कहते हैं मेन मेमोरी कहते हैं अभी जो प्राइमरी मेमोरी आप कहते हो नेक्स्ट है व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन टू योर कंप्यूटर कॉल तो जो परमानेंट मेमोरी हमारे कंप्यूटर पर बिल्ट होता है बना होता है उसको क्या कहते हैं रैम रोम सी पी यू एफ सी डी रोम तो परमानेंट मेमोरी जिसको क्या कहते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी रैम क्या है टेम्प्रोरी मेमोरी तो वहीं पर रोम क्या है परमानेंट मेमोरी होता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सी पी यू तो सी पी यू में फास्टेस्ट मींस क्या है मेमोरी एक्सेस करने का रजिस्टर कैच मेन मेमोरी वर्चुअल मेमोरी तो सी पी यू में याद रखिएगा जो मेमोरी एक्सेस करने का जो फास्टेस्ट मीन्स होता है वो रजिस्टर होता है रजिस्टर के थ्रू सी पी ओ जो है मेमोरी को बहुत जल्दी एक्सेस कर सकता है तो ऑप्शन इज द करट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन एक्ट्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिस तो आपको बताना कि ट्रैफिक पुलिस की तरह कौन एक्ट करता है रैम रोम ए एल यू और सी यू तो देखिए सी यू सी पी यू में दो होते हैं ए एल यू एलिथमेटिक लॉजिकल यूट और कंट्रोल कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है वो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है जैसे ट्रैफिक पुलिस में क्या करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले कंट्रोल करते हैं कहां पे कौन सा कौन से रोड से पहले कौन जाएगा फिर दूसरे रोड से कौन जाएगा तीसरे रोड से कौन जाएगा तो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं इसी तरीके से जो डेटा का ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट तो उसको क्या कहता है ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है तो ऑप्शन डी सी यू कंट्रोल यूनिट मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल एंड कॉर्डिनेट फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन ऑल अदर पार्ट नेक्स्ट है वहीं पे एल क्या है एल यू इज रिस्पॉन्सबल टू डू एथमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कॉम्पेरजन तो ए एल क्या है वो एथमेटिक कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कॉम्पेरिजन होता है लॉजिकल कॉम्पेरिजन हो गया वो सारी चीजें जो है ए एल यू करता है सीपी में नेक्स्ट स्पेशल मेमोरी यूज फॉर स्पीडिंग अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अटैच बिटवीन सी पी एंड मेन मेमोरी तो आपको बताने की वो स्पेशल मेमोरी क्या है जो कि ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज किया जाता है और सी पी यू और मेन मेमोरी के बीच में अटैच होता है रैम रोम कैच मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे कैटो कर जाएगा ऑप्शन सी कैच मेमोरी कैच मेमोरी कहते हैं जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफर को स्पीड मेन मेमोरी के बीच में वो होता सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीटिकल लॉजिकल यूनिट मेन मेमोरी रैम रोम और सीयू कंट्रोल तीनों ही क्या है पार्ट है, है, है? होते हैं सीपीयू के नेक्स्ट तो है कैच मेमोरी इज ए तो कच मेमोरी किस टाइप का मेमोरी है इंटरनल एक्सटर्नल सेकेंडरी

नेक्स्ट है वन के बी इज इक्वल टू यानी कि एक किलो बाइट कितना बराबर होगा ऑप्शन है वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलो बाइट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर मेगा बाइट या फिर वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा वन किलो बाइट इज इक्वल टू वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलो बाइट को हम कहते हैं वन एम बी वहीं वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर को हम कहते हैं वन जी बी और वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर जी बी को कहते हैं वन टी बी यानी वन टेरा बाइट तो ये आपको निमेरिकल थोड़ा सा याद करना होगा याद कर लीजिएगा नेक्स्ट है डेजी व्हील ड्रम चेन एटसेट्रा आदि तो जो डेजी व्हील

बनाना तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है डैश आर हाई एंड प्रिंटर आपको बताने को कौन सा हाई एंड प्रिंटर है इंगजेंट लेजर थर्मल या डॉट मैट्रिक्स तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन लेजर लेजर आर हाई एंड प्रिंटर टच स्क्रीन इज ए तो जो टच स्क्रीन होता है आप मोबाइल का जो टच स्क्रीन होता है तो टच स्क्रीन क्या है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस से बोथ ए एंड बी अब दोनों ही है इनपुट आउटपुट दोनों है या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो देखिए टच स्क्रीन जो आप टच स्क्रीन मोबाइल परचेज करते हैं तो वहाँ पे आउटपुट भी मिल रहा होता है और तो आप उस पर टच करके इनपुट भी करते हो डेटा इनपुट भी कर रहे होते हो तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी टच स्क्रीन इज इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट है लाइट पेन एंड जॉइस्ट आर लाइट पेन और जॉइस्टिक क्या है एलगोरिथम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है फिर पोर्टल तो लाइट पेन और जॉइस्टिक दोनों ही

वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है तो ये क्या होता है मॉनिटर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन व्हाट इज ए लाइट पेन लाइट पेन क्या होता है ऑप्शन है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस ए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस तो लाइट पेन क्या है ये इनपुट डिवाइस और कैसा इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है सी रोम स्टैंड फॉर तो सी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है कॉम टेप

आउटपुट के लिए कनेक्टर की तरह यूज किया जाता है वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ थ्री पॉइंट फाइव तो आप पहले आज के टाइम पर तो आपको नहीं देखने को मिलता लेकिन पहले फ्लॉपी डिस्क आते थे स्टोरेज वाइज के लिए तो जो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती थी उसकी कैपेसिटी नॉर्मली क्या होती थी 1.40 पॉइंट 1.44 जीरो एम या फिर 1.44 पॉइंट तो देखिए 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती थी ना उस वक्त स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी तो जो मैक्सिमम नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती थी वो होती थी वन पॉइंट तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन आठ सौ से टू पॉइंट के तकरीबन जो है इनकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी होती थी और स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती थी वन वन पॉइंट होती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी यानी रोम मेक्स इट्स यूजफुल तो रोम की कौन सी कैरेक्ट्रिट जो कि इसको यूजफुल बनाती है रोम इन्फॉर्मेशन कैन भी इजली अपडेटेड डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर रोम प्रोवाइड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इन एक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज या फिर रोम चिप्स आर इजली स्वर्ब बिटवीन डिफरेंट ब्रांड ऑफ कंप्यूटर तो देखिए आपने रोम पढ़ा है क्या कहीं नॉन वोलेटाइल है जहाँ पर लाइट और चली जाने के बाद यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर चली भी जाती

नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियी यू इज ऑल्सो कॉल्ड यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं स्क्रीन मॉनिटर बोथ न एंड टू यानी कि ए एंड बी और ऑप्शन डी प्रिंटर तो वीडियो क्या होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी कि इसमें देखते हैं आप मॉनिटर या स्क्रीन दोनों के नाम से आप जाने जाते हैं तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल यानी कि आपको नीचे देखा ऑप्शन में कौन सा ऐसा मेमोरी जो कि स्टैटिक है और नॉन वोलाटाइल है तो नॉन वोलाटाइल आपको पता ही है रोम ऑप्शन बी तो कैट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन बी रोम नेक्स्ट है डैश स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्प्रोरली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाई द कंट्रोल यूनिट तो कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से है जहां पे डेटा जो है वो टेंपोरोली जो है सेव होता है स्टोर होता है और जैसे ही जो है वो कंट्रोल यूनिट से डेटा जो है डायरेक्ट किया जाता है वो पास कर दिया जाता है डेटा एड्रेस रजिस्टर नंबर या फिर डी मेमोरी तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी रजिस्टर रजिस्टर में क्या होता है मेमोरी जो है वो टेंपोरोली डेटा जो है वहाँ पर सेव होता है और जैसे ही कंट्रोल यूनिट जो है डायरेक्ट करता है कि उसको पास करना है डेटा को तो तुरंत वहाँ से डेटा पास हो जाता है नेक्स्ट है वेयर डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट इन फर्स्ट विद इन ए कंप्यूटर मेमोरी हैरार तो कंप्यूटर मेमोरी हैरारकी में सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है रैम में रोम में बायोस में या फिर कैच में तो करेट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में पहले कोई भी डेटा होता है वो पहले रैम में जाता है फिर वहाँ पे रजिस्टर या कैच का यूज़ करके जो है सीपीयू पी यू में के जो कंट्रोल यूनिट है ए में जाता है प्रोसेसिंग होती है फिर उसके बाद उसको सेव कर लेते हो तो रोम में जाता है तो दैट इज़ द ऑप्शन ए रैम वहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी का जो है कोई भी डेटा हो पहले रैम में जाता है नेक्स्ट है री यूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम यानी कि कोई ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो कि री यूजेबल हो तो वो उसको कौन सा एक्रोनिम इसमें यूज किया जाता है शॉर्ट फॉर्म सी डी डी रोम या फिर आर डब्लू तो आपने देखा होगा अगर सी डी डी वी यूज किया हो तो सी डी आर डब्ल्यू होता है सी डी आर सी डी आर डब्ल्यू डी आर डीवीडी वी आर डब्ल्यू होता है तो ये क्या होता है रिकॉर्डेबल री राइटेबल तो आर डब्ल्यू को मतलब क्या होता है री राइटेबल यानी कि जिसको आप दोबारा से री यूज कर सकते हो री राइट कर सकते हो उस पर जो भी है डिलीट करके उसको री राइट कर सकते हो तो ऑप्शन डी आर डब्ल्यू री राइटेबल ये एक्रोनिम यूज किया जाता है जिसको आप री यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग पावर फेलियर use तो आप जब भी कोई पावर फेलियर हो जाता है यानी कि अचानक से लाइट चली गई तो उस केस में आपका आपको डेटा लॉस होने से बचाना है तो उसमें आपको क्या यूज़ करना चाहिए इंक्रिप्शन प्रोग्राम सर्ज प्रोटेक्टर फायर वाले फिर ऑप्शन डी यू तो आपने पढ़ा होगा यू क्या होता है अन इंट्रिप्टेड पावर सप्लाई यू का फुल फॉर्म क्या हो गया अन इंट्रिप्टेड पावर सप्लाई तो यानी कि जब भी कभी पावर फेलियर हुआ फ्लक्चुएट होने लग गया है फिर लाइट चली गई तो उस केस में क्या होता है कि सिस्टम अचानक से बंद हो जाएगा सिस्टम अचानक से बंद हुआ तो जो भी आपका डेटा या फिर जो भी आपके जो इन्फॉर्मेशन थी रैम में होती है वो सारी चली जाएगी अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो तो इस केस से बचने के लिए आप क्या करते करते हैं हैं यूपीएस यूपीएस का यूज़ करते लगा रहेगा लाइट चली भी भी गई तो भी आपका सिस्टम चलता रहेगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपके आ, सिस्टम को मिलती रहेगी और आप जो है उस ड्यूरेशन में अपने डेटा को सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद कंप्यूटर को सट डाउन कर सकते हैं नहीं तो क्या होता है कि अचानक से लाइट चलेगी आपका सिस्टम सट डाउन हो जाएगा और आपके पास जो भी डेटा रहेगा रैम में और अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो वो लॉस्ट हो सकता है तो इससे बचने के लिए डेटा लॉस्ट ना हो पावर फेलियर की वजह से आप क्या करते हैं यूपीएस इसका यूज करते हैं तो ऑप्शन इज दी करेंट ऑप्शन यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई तो इस वीडियो में इतना है विशो ऑल द बेस्ट की पॉचिंग सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियो थैंक यू